तेलंगाना हाई कोर्ट ने मेदक पुलिस स्टेशन में खदीर खान की लॉकअप मौत पर हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। खदीर खान की बीवी की जानिब से हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने सेक्रेटरी महकमे दाखिला, मेदक एसपी, मेदक एसएचओ और दीगर को नोटिस जारी की। गुज़िश्ता साल फरवरी में मेदक के खदीर खान को पुलिस ने चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया था और काफ़ी मारपीट की थी, जिसके बाद खदीर खान की तबीयत खराब हो गई, जिस पर उन्हें हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इलाज के दौरान वो जख्मों से जान बना हो सके। खदीर खान की बीवी सिद्धेश्वरी ने हाई कोर्ट से इस मामले को रुजू किया और दावा किया कि उनके शोहर की मौत मारपीट की वजह से हुई है। चीफ जस्टिस आलोक राधे और जस्टिस एनबी श्रावण कुमार की बेंच ने पीर को इस दरखास्त पर समाप्त की। उनके वकील ने दरखास्त की कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए और जांच का हुक्म दिया जाए। दरखास्त गुजार ने हुकूमत से 50 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म जारी करने और सीसीटीवी फुटेज को महफूज करने की हुकूमत को हिदायत देने की दरखास्त की।